मैं डॉक्टर वी के महाजन 1978 में मैंने डॉक्टर मिसेस स्वामी महाजन के साथ मिल करके महाजन आई हॉस्पिटल के नाम से एक नर्सिंग होम स्टार्ट किया था शहीद उधम सिंह नगर में। हमारा मोटो था टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ विद मिनिमम पॉसिबल चार्जेस। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई हमें एडवांसमेंट के साथ चलना पड़ा। हमारा मोटो था टू बाय द टेक्नोलॉजी एंड टू लर्न द टेक्नोलॉजी एंड देन टू प्रैक्टिस द टेक्नोलॉजी, और ये हम करते चले गए। हमने पैसे की परवाह नहीं की, हमने पैसे का लालच नहीं किया। इतना हो गया कि जो हमारा पुराना हॉस्पिटल था वो छोटा पड़ने लगा, तो हमें एक नया हॉस्पिटल लिंक रोड लाजपत नगर में महाजन आई हॉस्पिटल से बनाया है, जिसके अंदर आगे से ही बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ है। हमारे पास चार डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मयंक दत्ता वो विट्रोरेटना सर्जन है, MD अपनी एम से कर रखी है, और शंकर नेत्रालय से उन्होंने विट्रोरेटना के अंदर फेलोशिप की है। डॉक्टर अंकुश महाजन है जो कि बहुत ही रिनाउंड फेको सर्जन हैं, ग्लूकोमा के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा शोहरत है इस कंट्री के अंदर। वो ग्लूकोमा में एक ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लूकोमा सर्जरी। उन्होंने काफ़ी पेपर्स इंडिया में और बाहर कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंट किए हैं और आगे भी इसके ऊपर वो काम करते जा रहे हैं। डॉक्टर नीतीश महाजन वो विट्रोरेटना सर्जन है, उन्होंने भी शंकर नेत्रालय से फेलोशिप की है और साथ में वो स्क्विंट का भी काम कर रहे हैं। महाजन आई हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया के सबसे बढ़िया आई हॉस्पिटल्स में गिना जाता है। हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से भी पेशेंट्स आके अपना इलाज सक्सेसफुली करा के जाते हैं। हमारे यहाँ सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, पर्दे की बीमारियाँ तथा अन्य आँखों की बीमारियों का इलाज वर्ल्ड की बेस्ट टेक्निक से किया जाता है। सफ़ेद मोती का इलाज हमारे यहाँ दो तरह से किया जाता है, एक तो फेको इमल्सिफिकेशन, जिसे कि दुनिया में वर्ल्ड ओवर एक स्टैंडर्ड टेक्निक माना गया है सफ़ेद मोती के इलाज के लिए। इसके लिए हमारे पास दुनिया की बेस्ट फेको मशीन जिसे कि एल्कॉन सेंचुरियन बोला जाता है। बहुत ही कम सेंटर्स नॉर्थ इंडिया में हैं जो एल्कॉन सेंचुरियन मशीन से आपका इलाज फेको के द्वारा करते हैं, क्योंकि मशीन बहुत ही कॉस्टली है। दूसरा तरीका हमारे पास लेज़र अथवा जिसे रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी भी कहा जाता है, उससे भी हम करते हैं। उसके लिए हमारे पास दुनिया की बेस्ट मशीन जैसे कि ज़ीमर Z8 कहा जाता है। ये बहुत ही कॉस्टली मशीन है, बहुत ही कम सेंटर्स वर्ल्ड ओवर हैं जिनके पास ये मशीन है। इससे हम रोबोटिक या लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। काले मोती के इलाज के लिए हमारे पास टेक्निक है जिसे बोलते हैं माइक्रो इंसिजन ग्लॉकोमा सर्जरी या नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लॉकोमा सर्जरी। अगेन ये दुनिया में बहुत ही कम सेंटर्स हैं जो आज की डेट में माइक्रो इंसिजन या नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लॉकोमा सर्जरी कर पा रहे हैं। पर्दे के ऑपरेशन के लिए हमारे पास एल्कॉन कॉन्स्टिलेशन मशीन है। एल्कॉन कॉन्स्टिलेशन को भी दुनिया में बेस्ट पर्दे के ऑपरेशन की मशीन के नाम से जाना जाता है। आज मैं आपके सामने एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय डायबिटिक रेटिनोपैथी की जाँच और इलाज के बारे में बात करूंगा। विश्व में डायबिटीज एक मुख्य रोग बनकर उभर रहा है और WHO के मुताबिक आने वाले समय में ये आंखों को ग्रस्त करने वाले मुख्य रोगों में से एक बनकर उभरने वाला है। कि किस प्रकार ये रोग आंखों पर असर कर सकता है और इसके इलाज और जांच के क्या क्या तरीके हैं। डायबिटीज आंख के आगे वाले हिस्से यानी कॉर्निया से लेकर आंख के पिछले हिस्से यानी पर्दा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व तक इफेक्ट कर सकता है। ये बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चों हो या बूढ़ों में। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो इस बीमारी के होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये अक्सर गंभीर रूप में आपकी आंखों पर असर कर सकती है। दो चीजों ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, जरूरत है डायबिटीज के बहुत अच्छे कंट्रोल की, चाहे वह आपके आहार पर नियमित कंट्रोल करके हो या व्यायाम करके या फिर डायबिटीज विशेषज्ञ की सलाह से हो। किसी भी प्रकार से आपको अपना डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करके रखना है। दूसरी अहम बात है कि आप अपनी आंखों का नियमित जांच एक अच्छे आई स्पेशलिस्ट या एक पर्दे के माहिर से करवाएं। अगर इस जांच के समय आपके पर्दे में या आंख के किसी भी हिस्से में डायबिटीज का असर पाया जाता है तो आपका डॉक्टर आपको इससे बचने के उपाय और इसकी रोकथाम और इलाज के उपाय भी जरूर बताएगा। आंखों के पर्दे पर सूजन की समस्या आ सकती है और अक्सर ये नज़र कम होने का मुख्य कारण बन जाती है, या ये भी हो सकता है कि आपकी आंखों की नसें कमज़ोर पड़ जाएं जिसकी वजह से आंख के अंदर खून आने की संभावना बढ़ जाए
और इससे आप अंधेपन का भी शिकार हो सकते हैं। मुख्यतः यही बीमारियां आंखों को कमजोर बनाती हैं। इसके अलावा सफेद और काला मोतिया होने के चांस भी डायबिटीज के अंदर ज्यादा हो जाते हैं। सो इसलिए आपका इन चीजों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी आंखों की जांच में स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, फंडस चेकअप यानी कि आपके पर्दे की जांच, ओसीटी, एंजियोग्राफी का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर डॉक्टर कहे तो ये आप जांच जरूर करवाएं, क्योंकि इससे आपके उपचार में काफी मदद मिल सकती है। अगर उपचार के बारे में बात करें तो तीन मुख्य तरह के उपचार बताए जाते हैं। पहला, लेजर किरणों से, ये कई सिटिंग्स में करनी पड़ सकती है, जिस प्रकार भी आपका डॉक्टर आपको गाइड करे और जिस भी आंख में आपको बताया जाए कृपया करके लेजर जरूर करवाएं। दूसरा जो आजकल काफी प्रचलन में है वह है एंटी वेजेफ इंजेक्शंस। एंटी वेजेफ इंजेक्शन अक्सर कई बार लगाने पड़ते हैं और कुछ महीनों के अंतर पर इनका किसी भी आंख में बार बार प्रयोग करना पड़ सकता है। तीसरा जो कि आजकल काफी एडवांस्ड तरीका अपनाया जा रहा है वह है आंखों के पर्दे का ऑपरेशन। अक्सर ये उस समय किया जाता है जब आपकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज है वो अक्सर ज्यादा बड़ी होती है या ज्यादा गंभीर रूप से आपकी आंखों में समस्या बढ़ चुकी होती है। सो कृपया इन तीनों इलाजों के बारे में अच्छे से जानें, अपने डॉक्टर से पूछें और जो भी तरीका उत्तम हो उसे अपनाएं। ये तीनों इलाज तभी फायदेमंद होंगे अगर आप इलाज के साथ साथ अपनी शुगर का भी अच्छे से कंट्रोल रखेंगे। अक्सर ये बात मरीज भूल जाते हैं और वो इलाज की तरफ, आंखों के इलाज की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग पड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा कि अगर आप आंख का जितना मर्जी अच्छा इलाज करवाएं लेकिन अगर आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी अच्छे से अच्छा इलाज फेल हो सकता है और उसकी उतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितना हम या आप उससे उम्मीद रखते हैं। सो इसलिए हमारा हर मरीज से अनुरोध है कि ना सिर्फ अपनी आंखों का इलाज करवाएं, आंखों की देखभाल अपने अच्छे आई स्पेशलिस्ट और अच्छे पर्दे के माहिर से करवाएं, बल्कि अपनी डायबिटीज और शुगर का इलाज अच्छे से अच्छे डायबिटीज विशेषज्ञ से करें। अपने आहार को नियमित रखें, अच्छा टाइम पे भोजन लें, व्यायाम करें, और इन सब चीजों से आप ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि इनके द्वारा जो उत्पन्न कॉम्प्लिकेशन है जिनमें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी मुख्यतर है उससे आप बच सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेस्ट रिकमेंडेड फूड्स फॉर योर आई हेल्थ। Organizations such as American Academy of Ophthalmology, they continue to recommend nutrients for eye health based on AREDS report. The AREDS report, which is age-related eye diseases study report, support the following nutrient-rich foods. Number one is citrus fruits, which are very rich in vitamin C, which help us to fight age-related eye damage. For example, lemons, oranges, grapefruits. Number two is leafy green vegetables, which are rich in both lutein and zeaxanthin. They are also a good source of eye-friendly vitamin C. Common foods include spinach, collards, broccoli, etc. Another important food is nuts and pulses. Nuts are very rich in omega-3 fatty acids. They also contain high levels of vitamin E, which can protect the eye from age-related damage. Nuts and pulses are good for eye health, and they include walnuts, cashews, peanuts and pulses. Another important food which is very good for the eye health is seeds. Like nuts and legumes, seeds are very rich source of omega-3 fatty acids and are a rich source of vitamin E as well. Seeds rich in omega-3 include chia seeds, flax seeds and hemp seeds. Another important food which is very good for eye health is fish. Fish are rich source of omega-3 fatty acids. Oily fish are fish that have oil in their gut and body tissue, so eating them offers high level of omega-3 fatty acids. The fish that contains the most beneficial levels of omega-3 fatty acids, they include tuna, salmon, trout, mackerel, sardines, anchovies, and herring. ARMD या age-related macular degeneration 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में नजर चले जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है। हमारी आंख के पर्दे के सेंटर पार्ट को मैक्यूला कहा जाता है और ARMD इस मैक्यूला को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाकर आंखों की सेंटर की नज़र खराब कर देता है। ARMD दो तरह का होता है, ड्राई ARMD और वेट ARMD। ड्राई ARMD में नज़र को नुकसान धीरे धीरे कुछ सालों तक पहुंचता है और नज़र धीरे धीरे कम होती है। वेट ARMD में नज़र अचानक से ही बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। वैसे तो 60 साल के किसी भी इंडिविजुअल में ARMD होने का चांस रहता है,
परंतु जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें एआरएमडी होने का चांस जनरल पब्लिक से कहीं ज्यादा रहता है। ड्राई एआरएमडी की ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल्स या टैबलेट्स सारी उम्र लेने पड़ते हैं ताकि ये डिजीज रुकी रहे, आगे ना बढ़े। वेट एआरएमडी की ट्रीटमेंट के लिए आंख के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ इंजेक्शंस देने पड़ते हैं जिनको एंटी वेजेफ इंजेक्शंस कहा जाता है, या फिर एक स्पेशल तरह का लेजर किया जाता है जिसको पीडीटी या फिर फोटोडायनेमिक थेरेपी कहा जाता है। 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए ये सलाह है कि हर 6 महीने में किसी आंख के पर्दे के डॉक्टर से आंखों की जांच जरूर करवाएं ताकि समय रहते एआरएमडी का पता चल सके और उसकी ट्रीटमेंट समय रहते ही शुरू की जा सके। एक अन्य मुख्य बीमारी जो कि आंखों के पर्दे को असर करती है वह है रेटिनल डिटैचमेंट, यानी आंखों के पर्दे का गिर जाना, अपनी जड़ से अलग हो जाना। इससे आपकी नज़र एकदम से कम हो सकती है और आपको काले काले धब्बे नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप याद रखिए कि रेटिनल डिटैचमेंट यानी पर्दे के हिलने से पहले आपको कुछ समस्या आने की चांस होते हैं, वह अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो आप अपने रेटिनल डिटैचमेंट का समय पर जांच और इलाज करवा सकते हैं। मुख्यतः ये है कि आपको सबसे पहले आंखों के आगे चमकती हुई लाल या सफ़ेद रंग की रोशनी नज़र आएगी, या आपको आंख के आगे काले काले या लाल रंग के धब्बे नज़र आने शुरू होंगे और एक तरफ से ऊपर नीचे दाएं या बाएं एक तरफ से नज़र आना कमती या बिल्कुल कम हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको किसी भी वक्त महसूस हो तो उसी वक्त या अगले दिन आप अपने पर्दे के स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट से जांच करवाएं। अगर समय पर हम इसकी जांच और उपचार कर लेते हैं तो रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी यानी आंखों के पर्दे के ऑपरेशन का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा माना गया है। तकरीबन 80-90% लोगों में हम आंखों की नज़र बचा सकते हैं और आंख अंधेपन की तरफ ले जाने से रोक सकते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी में कई प्रकार की प्रणालियों का उपयोग होता है, जैसे आंख के अंदर गैस का इंजेक्शन दिया जा सकता है, आंख के अंदर सिलिकॉन ऑयल नामक केमिकल का इंजेक्शन दिया जा सकता है, कई बार बकलिंग सर्जरी का उपयोग किया जाता है और बहुत बार लेजर से भी ये ऑपरेशन किए जाते हैं। आपका डॉक्टर जिस किस्म का भी सलाह दे आप उसको फॉलो कीजिए।